brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. 12th खत्म हुआ था और हमें बताया गया कि अभी हम बड़े हो चुके हैं या फिर हमें बताया गया था कि एटलीस्ट बड़े होने जैसा बर्ताव तो कर लिया करो. अभी मतलब तो नहीं जानते थे हम, लेकिन इतना जान गए थे कि यार बस रॉब जमाना है, क्योंकि हम पे तो सब ने यही किया था तो हमें भी जो बच्चों पे यही करना है. तो ये तो कर ही रहे थे हम. और 12th जो ख़त्म हुआ था तो सब ने कहा था यार लो अब ना इसके बाद तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि अब तो तुम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अब तो पढ़ाई करना ही है नहीं, सब मज़े करने हैं. तो ये पापा ने मुझे ऐसे ही समझा था, लेकिन पापा ने कभी ये नहीं बताया था कि ये ना उनका मेरे साथ आखिरी सफ़र था और इस दुनिया में ये मेरा पहला कदम था, क्योंकि इसके बाद अब जो भी मैं करने वाला हूँ वो उसकी जिम्मेदारियाँ मुझे खुद लेनी है. इससे पहले सारी जिम्मेदारियाँ मेरे माँ बाप ले रहे थे मेरे. अब जो मैं करने वाला हूँ वो नादानियाँ नहीं गलतियाँ होने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले सारी नादानियाँ थी. और नादानी और गलतियों का फ़र्क इतना है कि नादानियाँ ना हंस के बुलाई जाती हैं, गलतियाँ रातों को रुलाती हैं. नादानियों का बोझ तुम्हारे माँ बाप ले रहे थे, गलतियों का बोझ तुम लेने वाले हो. गलतियों का सवाल तुम्हारे चरित्र पे उठाए जाएंगे, जिनके जवाब तो दूर, समझना भी तुम्हारे बस के बाहर है. ये समझ रहे. पर अभी तो 12th खत्म हुआ था तो, और ये जवानी थी ये दीवानी तभी रिलीज हुई थी, तो अभी ना हमें ये सब चीज़ें थोड़ी सोचनी थी. हमें करना था कि चलो बंटी बनते हैं. अभी तो परिंदे के पंखों को हवाएं लग गई थी, अभी तो हमें उड़ना था, कूदना था, घूमना था, बस बंटी बनना था, सब तरफ जाना था हम सबको. बस ये सारी खुशियां लेके मैं अपने दोस्त से मिलने गया था. अब 12th स्टैंडर्ड ने ये सबको किया है कि हम सबको अपने बचपन के दोस्तों से दूर रखा था. सबको हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है. तो मैं दोस्त से मिलने गया था और पहली बार मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं देख रहा था, उसके साथ कोई और दोस्त भी था. और देख लेना ये ज़रूर कि बेस्ट फ्रेंड का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना तो जेलसी हमें सबसे ज़्यादा होती है. लेकिन मैं जेलस नहीं था, मुझे गुस्सा आ रहा था. गुस्सा या घिन पता नहीं क्या आ रहा था, लेकिन आ रहा था. क्योंकि ये जो जिसके साथ दोस्त था ना, मैं पूछा कि ये कौन है, तो बोला कि यार सुन ये ना मुझे वहाँ पांडव के पास मिला था, वहाँ का ना ये स्टड है भाई और वहाँ पे सबका मन बहलाए रखता है. अपने दोस्त को ना बड़े आराम से बता रहा था कि कैसा ये दोस्त, उसके सारे हेल्प कर रहा था कि कैसा. पर मैं सिर्फ सदमे में था, क्योंकि इसने जिस दोस्त की बात की थी वो सिगरेट था. पहली बार मेरे दोस्त ने सिगरेट पकड़ा था. अभी हम बड़े हुए थे तो पहली बार अभी तक तो हमने सिगरेट पकड़ा नहीं था. अब तक हमें लगता था सिगरेट एक गंदी चीज़ है, घिन है, जिसकी हमें आदत लगनी नहीं है. लेकिन भाई ने मेरे सिगरेट पकड़ के रखा था. तो मैंने पूछा कि यार तूने ये कब किया, कि ये स्टार्ट कब किया, जिन अड्डे को हमने बोला था कि यार यहाँ तो हारे हुए लोग जाते हैं, वहाँ पे तू कब जाने लगा, कि जो सारी हमारी ख्वाहिशें थी आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में कुछ करने की, वो करने की, यार सिगरेट के धुएं ने तेरे इन सारे रास्तों को अभी से धुंधला कर दिया था, क्यों तू ये कर रहा है. तो मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया. उसने कहा कि यार सुन हम गलत थे, वो जो तू बोल रहा है ना कि वो बचपन में उसूल कायदे नियम जो ज़िंदगी में करने हैं वो सब सच्ची में नहीं होते, कुछ लोगों के होते, हमारे तो बिल्कुल नहीं होते. उसने वो बोला कि यार कि ये ना सच्चा दोस्त है, क्योंकि ये ना आपको एक तो कहते हैं हाई कर देता है, और दूसरा कहा कि यार इस दोस्त ने ना मुझे बहुत सारे नए दोस्त बना के दिए हैं. मेरा हमेशा मन बहलाए रखा है कि इस दोस्त ने ना मुझे मेरे ब्रेकअप से निकाला है, कि मेरे जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं इसके धुएं में हफ्तों इसके धुएं को ओढ़ के सोया करता था, कि इसने ना मेरा डिप्रेशन मिटाया है. मैं सदमे में था, लाइक ये मेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा बचपन का दोस्त. मैं सोनू ये टीटू, मैं राम ये लखन, मैं जय ये वीरू, ये मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं बहुत आगे चलना था. तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था. मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, सदमे में था. उसे पता चला कि मुझे सही नहीं लगा, तो उसने ना वही किया जो हर गुनहगार करता है. उसने ना अपनी सही को गलत, अपने गलत को सही करने का साबित किया. उसने कहा कि यार सुन मरना तो हम सबको आखिर में ही है, मर के हमें सबको आखिर में खाक ही बनना है. आखिर में अगर सबको खाक ही बनना है तो मैं थोड़ा जीते जी बन रहा हूँ, इसमें
तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं देखता रहा, फिर बोला यार सुन, एक साल पहले तक जिससे तू मुझे बोलता था कि हम दो जिस्म एक जान है, तो आज तू मुझे बता कि तेरे जिस्म ने उस मौत का हाथ क्यों पकड़ा और मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, कि अगर जान एक थी हमारी तो वो तुझे से क्यों लगता है और मुझे क्यों गलत लगता है। हम एक जान अब नहीं हो सकते थे क्योंकि उसका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था, और तभी मुझे पता चला कि अब हम बड़े हो चुके थे, वो बचपना था हमारा, कि वो बचपना था हमारा, क्योंकि बड़े होने का एक ही मकसद है कि अब यहाँ आपको गलतियों को सही ठहराना है, अब यहाँ गलत या सही नहीं, आपके गुनाहों को आपको सही साबित करना है। बस यही जानना था मैंने, अभी कुछ सालों से कर रहा है ये, मैं बताता हूँ उसको हमेशा, और हमेशा ये कहानी हर जगह सुनाता हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्त को छुड़ाना है। आप अपने दोस्तों को ज़रूर बता देना ये। बस आखिर में इतना ही कहना है कि यार बनना हम सबको आखिर में राख ही है, कि बनना हम सबको आखिर में राख ही है, तो जीते जी खाक बन के नहीं आग बन के जिए। थैंक यू।